बिजनेसमैन को बिजनेस में फ्री होना है तो सबसे महत्व का यह रहता है कि बिजनेस का प्रोसेस हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। जब SOP रहती है तो बिजनेसमैन फ्री हो सकता है। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, सेमिनार लीडर और एक बिजनेस कोच हूँ, और पिछले 41 साल से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा हूँ, उनके बिजनेस में परिवर्तन ला रहा हूँ, और आज बड़े बड़े बिजनेसेस लोगों ने खड़े कर दिए हैं। कोई भी चीज़ जब बिजनेस में चलती नहीं है, कोई भी चीज़ चल नहीं रही है, प्रॉब्लम है बिजनेस में, तो इसका मतलब ये हो रहा है एक कि बिजनेस ओनर काम कर रहा है। हो सकता है कि वो खुद ही काम कर रहा है। कितने सारे बिजनेस ऐसे हैं कि वो सोलोप्रेनियर हैं, मतलब अकेले आदमी काम कर रहा है, वो ही झाड़ू मारता है, वो गल्ला लेता है, गल्ले पे बैठा है, वो मार्केटिंग करेगा, वो कस्टमर से बात करेगा, और नहीं तो फिर बिजनेस ओनर जो है वो डूअर का काम कर रहा है, 7-8 घंटे काम कर रहा है, अपने बिजनेस में डूअर है, और नहीं तो फिर स्टाफ का प्रॉब्लम है। स्टाफ जो है वो एक ही स्टाफ 2-3 जगह काम कर रहा है, फिर एक स्टाफ जब 2-3 जगह काम करता है तो फिर एक जगह भी ठीक से ढंग से काम नहीं करता और फिर प्रॉब्लम होता है। तो स्टाफ जो है वो अलग अलग जगह पे है, मतलब एक ही स्टाफ 3-4 जिम्मेदारियां निभा रहा है, फिर प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप उसको होल्ड अकाउंट नहीं कर सकते। तो बिजनेस ओनर क्यों काम कर रहा है? बिजनेस ओनर काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास में अच्छे लोग नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम है हायरिंग का, नए नए लोग लाना, फिर नए लोग लाए तो ट्रेनिंग का, फिर ट्रेन किया तो रिटेनिंग का, और रिटेन किया तो ऐसा कुछ होगा कि भाई उसका कैश का प्रॉब्लम है, कैश में पैसा जमा कर रहा है और वो ट्रेड सीक्रेट है, बताना नहीं चाहता, इसलिए उसको खुद को रहना पड़ता है अंदर। जब पक्के में काम नहीं हो रहा है, कच्चे में हो रहा है, छुपा रहा है, टैक्सेस छुपा रहा है, कैश में पैसा आ रहा है, तो फिर खुद को ही रहना पड़ेगा। तो स्टाफ ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टाफ ट्रेन नहीं है, या स्टाफ एक ही स्टाफ को 2-4 जिम्मेवारियां दी हुई है, इसलिए एक स्टाफ बराबर काम नहीं कर रहा है, हमने देखा। तो आपको फिर देखना है कि भाई कहीं भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो देखना है कि इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम है। यदि आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम यह है कि जो कस्टमर आ रहा है उसको तुरंत अटेंड नहीं किया जा रहा है, फिर क्या हो रहा है कि रिसेप्शन में लोग नहीं है, कस्टमर आ रहा है उसको तुरंत अटेंड नहीं किया जा रहा है, 2-4 कॉल हो गए उसका कॉल कोई उठा नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर अभी इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ये काम किसके तरफ दिया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी के लिए कौन है व्यक्ति। ठीक है, वो एक फलाना फलाना XYZ व्यक्ति है कि जो वो काम कर रहा है, फिर देखना पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के तरफ ऐसा तो नहीं कि 2-3 काम दिए हैं, हम 2-3 काम हमने दिए होंगे तो क्या होंगे, रिसेप्शन पे वो बैठा नहीं, उसको बोला तू झाड़ू भी मार, उसको बोला कि तू कैश भी बैंक में डाल के आ जा, फिर वो कैश बैंक में डालने के लिए गया हुआ है तो इधर रिसेप्शन में कोई नहीं क्योंकि एक ही आदमी को 2 काम दिए आपने, तो ये प्रॉब्लम है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड पोजिशन है। और फिर यदि ऐसा है कि नहीं नहीं आदमी तो है, पोजीशन भी है, काम भी कर रहा है, तो फिर उसका मेजरमेंट नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं हो रहा है, और फिर यदि ट्रैकिंग हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है मतलब क्या है कि मेजरमेंट हो गया कि भाई ये गलती कर रहा है, तो गलती को हम सहन कर लेते हैं, चला लेते हैं, उसको कुछ पनिशमेंट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है कि भाई गलती किया तो फिर कुछ प्रॉब्लम उसको देना है या कुछ पनिशमेंट या फाइन करना है, जो भी करना है। जब तक गलती जो है उसको मालूम है गलती करने वाले को कि हमको तो काम दिया हुआ है मगर गलती करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो फिर वो बेफिक्र रहता है, चिंता ही नहीं करता है, और वो काम करते रहता है, गलती करते रहता है, और आप बोलते देखो कैसा आदमी है, उसको मालूम है कि अपने को पूछने वाला कोई नहीं है, चलता है, थक जाता है। तो फिर इसके लिए दो रोल्स महत्व के हैं धंधे में, बिजनेस में, एक है डूअर का रोल और एक है मैनेजर का रोल। डूअर मतलब आर्टिस्ट, डूअर मतलब वर्कर, कि जो वर्क कर रहा है एक्चुअली, और फिर वो वर्कर जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे 2-4 वर्कर होंगे कि जिनके तरफ हमने काम दिया होगा अलग अलग, तो वर्कर को यदि कुछ प्रॉब्लम आता है, वो वर्कर काम नहीं कर रहा है, वर्कर को काम आता नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो वर्कर लोगों को मैनेज करने के लिए वो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर रहता है कि जो वर्कर लोगों को एम्पावर करेगा, एनेबल करेगा, उनको सिखाएगा,
और फिर उनको ट्रेन करके वो काम करवा के लेगा मैनेजर। एक यदि व्यक्ति दो तीन जगह काम कर रहा है तो प्रॉब्लम आता है, एक व्यक्ति को एक ही काम दिया हुआ है वही काम तू कर और तभी भी नहीं कर रहा, इसका मतलब स्किल सेट नहीं है, और स्किल सेट है तो फिर उसका ट्रैकिंग नहीं हो रहा है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है ढंग से, और ट्रैकिंग हो रहा है तो उसको होल्ड टू अकाउंट हिसाब नहीं लिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होते रहे जब कोई काम बिजनेस में होता नहीं है। तो कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम आता है, समझो सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, हम क्या करते हैं कि एक अच्छा आदमी दूसरी जगह अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा है करके वहाँ से उसको उठा दे और सेल्स में डाल देंगे, या सेल्स का आदमी उठा लेंगे वो अकाउंट्स में डाल देंगे, या सेल्स का आदमी मार्केटिंग में डाल देंगे, सेल्स का आदमी अपन और कस्टमर सर्विस में डाल देंगे, जो अच्छा आदमी उसको इधर का उधर का दो चार काम उसको दे देंगे वो भी ले लेगा और काम ढंग से एक भी नहीं होगा। तो हमने ये देखना है कि हमारे स्टाफ जो हमारे पास में काम करते हैं उनको शेयर्ड पोजीशन है क्या। शेयर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि वो दो चार जगह काम कर रहे हैं क्या, एक ही आदमी चार जगह काम कर रहा है अलग 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 अलग, या फिर उसको स्किल्स है कि नहीं, उसको ट्रेनिंग बराबर दी कि नहीं दी, और महत्व का ये है कि उसको लाइकिंग है कि नहीं है। उसको लाइकिंग ही नहीं है, ज़बरदस्ती बिठाया गया है तभी वो काम होता नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या है कि हमको काम के लिए रोल्स पक्के कर दो कि ये आदमी को ये काम है उसका ये रोल है, और रोल पक्के करने के बाद में सेपरेट करने के बाद में सही आदमी को सही रोल पे फिट कर दिया, उसके बाद में उसका स्किल सेट डेवलप करो, ट्रेनिंग दो और उसका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करो। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होता है और बाद में उसको अकाउंटेबिलिटी में पकड़ा जाता है तो सब काम ठीक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई भी बिजनेस में काम होता नहीं है तो इसलिए होता नहीं है कि जो जिसको काम दिया हुआ है उसको एक तो स्किल नहीं है या उसके काम का मेजरमेंट होता नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है, या अब हम बोलते हैं ना हिंदी में थूके को थूका लगाना, मतलब ढकने जैसा काम कर लेना है, ऐसा करते रहता है। तो ये सब टालने के लिए हमको ट्रेनिंग हायरिंग ये सब करना पड़ेगा, और ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी ये भी देखनी होगी। यदि आपका बिजनेस आपको ग्रो करना है, आप 10x ग्रोथ करना चाहते हो, प्रॉफिट डबल करना चाहते हो, तो हमारे सेमिनार्स वेबिनार चल सकते हैं, नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, कोचिंग लो। क्या होता है कि हर बिजनेस में समझता है कि मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, और वही प्रॉब्लम है। तुम्हारा कोचिंग ले सकते हैं, मैं कोचिंग करता हूँ बिजनेस का, और मेरे खुद के 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स है, अलग अलग 5 बिजनेसेस है मैं चलाता हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा। सब कॉल कर सकते हैं आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लोगों को फ़ायदा होगा उनके बिजनेसेस में, ताकि वो अच्छे स्किल सेट स्टाफ में डेवलप करें और अपना बिजनेस आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच।